हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे EWS रिजर्वेशन और सर्टिफिकेट को लेकर। देखिए, इसमें इतना डिले क्यों हुआ और अब भी क्या संशय जो इसको लेकर बना हुआ है कर्मचारियों में, और जो विभाग ये EWS सर्टिफिकेट बनाता है उसमें भी अभी कुछ एक संशय की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। तो अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ, क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा सर, जब ये आपको EWS से रिजर्वेशन दिया गया है, घोषणा हुई, तो बोला गया था कि भी जनरल कैटेगरी के अंदर जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एनुअल इनकम 6 लाख से या 8 लाख से कम है उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि भाई वे सभी युवा जो किसी न किसी रिजर्वेशन में नहीं आए, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, उनको EWS रिजर्वेशन मिलेगा। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको पढ़कर बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आप हरियाणा जीके की भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर हरियाणा जीके की क्लासेज भी अब शुरू कर चुके हैं। 5 से 6 वीडियो इसको लेकर चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए EWS SC BC सर्टिफिकेट वालों को मना कर देते हैं कर्मचारी। तो दोस्तों देखिए, कोई SC BC या फिर किसी प्रकार का भी जिसने रिजर्वेशन नहीं लिया है वो EWS सर्टिफिकेट बनवा सकता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों न हो। इसी को लेकर कर्मचारियों में संशय है कि क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों का ही ये बनेगा EWS, या फिर वो सभी व्यक्ति जिनका किसी न किसी रिजर्वेशन का उन्होंने लाभ नहीं लिया उन सभी का बन सकता है EWS सर्टिफिकेट को लेकर कर्मचारियों में भी संशय है। ये है EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का बनता है। EWS सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट की तरह ही है जो आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। सरकार द्वारा यह सर्टिफिकेट जारी करने का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग के नागरिकों को आरक्षण का लाभ दिलाना है। EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर लोगों में संशय है कि कैसे इस सर्टिफिकेट को बनवाया जा सकता है। यहाँ तक कि अधिकारी कर्मचारियों को भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसी वजह से BCA, OBC और जनरल कैटेगरी या SC कैटेगरी के व्यक्ति जिन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई किया है या बना हुआ है, उन्हें निगम कर्मचारी सर्टिफिकेट बनाने से यह कहकर मना कर देते हैं कि उनका यदि संबंधित कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो ये EWS सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसका अब सॉल्यूशन क्या है? इसकी सॉल्यूशन के लिए सरकार समय समय पर जो है सारी चीज़ें दे रही है, चीफ सेक्रेटरी बार बार लेटर जारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है इसमें संशय बना हुआ है। जो नायब तहसीलदार जी हिसार के, उनका कहना है कि भाई राजस्व विभाग द्वारा EWS प्रमाण पत्र बनाए जाने का कार्य जारी है, इसके लिए कुछ शर्तें सरकार ने लगाई हैं, जो व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करता है वो EWS का प्रमाण पत्र बनवाएगा, चाहे वह किसी भी जाति से संबंध रखता हो। तो जो तहसीलदार, उनका स्पष्ट कहना है कि भाई किसी भी कैटेगरी या जाति से आप हों, जो सरकार ने कंडीशन रखी है आप उन्हें पूरा करते हो, आप EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जैसे कि वार्षिक आय 6 लाख से अधिक न हो, जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो, रिहायशी मकान 1000 स्क्वायर फीट से अधिक न हो, निगम क्षेत्र में 100 स्क्वायर फीट से अधिक अधिसूचित जमीन न हो, अचल संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ से अधिक न हो। तो ये कुछ कंडीशन है, जो इनको पूरा कर रहा है वो EWS बनवा सकता है, और किसी और रिजर्वेशन का उसने लाभ न लिया हो, चाहे वो किसी भी जाति या कैटेगरी से क्यों न हो। तो दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है EWS सर्टिफिकेट को लेकर, और हाँ, आप पूरे हरियाणा के अंदर ये बनने लगे, चाहे आपकी तहसील है या सब तहसील है, आप अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है, ये चीज़ें साफ़ हो गई हैं, सिर्फ आपको इसमें फीस में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।